हरिओम। हरिओम गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरु जी मेरा नाम मनु है। कहाँ से बात कर रहे हो मनु बेटा? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ गुरु जी। कितने वर्ष की हो गई हो? मेरी उम्र तकरीबन 40 वर्ष है गुरु जी। अपनी माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम श्री पूनम देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 8 नंबर गुरु जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिछले कुछ दिनों पहले बेटा घर में कोई चोरी हुई है? कोई सोना कैश बेटा घर से गायब हुआ है बेटा? जी गुरुजी बहुत बड़ी चोरी हो गई गुरुजी घर में। ये चोरी आपकी मिलने वाले नहीं थे, मिलने वाली नहीं है बेटा, इसको भूल जाना। आपकी गलती है, घर को अकेला छोड़ के गए थे आप। जी बिल्कुल गुरुजी। और रात के टाइम कोई जागरण वगैरह पे गए थे क्या? जी गुरुजी बिल्कुल। और पीछे आए तो घर साफ हो गया, ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है गुरुजी। घर में चोर कुछ तोड़फोड़ भी कर गए हैं बेटा? जी लॉकर तोड़ गए हैं गुरुजी। ये आपको मिलने वाला नहीं है बेटा, पक्के चोर थे। एक औरत थी और 2 चोर थे, 2 पुरुष थे, टोटल 3 की टोली थी। पक्के चोर थे, वापस आने वाले नहीं है, पकड़ में आने वाले नहीं है। और इनका आपको बस अब एक ही उपाय करना है कि आपको जितनी भी हानि हुई है परमात्मा किसी दूसरे मार्ग से आपकी वो हानि पूरी कर दे। और अभी 2024 तक बेटा सावधान रहना, घर में धन की हानि, चोरी डकैती आगे भी हो सकती है। भविष्य में ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े उसके लिए बेटा आपको कुछ उपाय करने हैं। शनिवार को 800 ग्राम कच्चा कोयला काले कपड़े में बांधकर बेटा जल प्रवाह कर देना। दूसरा, अपने घर में एक बांस का पौधा बेटा लगाइए, छोटे बैम्बू ट्री आते हैं उसको घर में लगाइए, इससे आपके घर में खुशहाली और बरकत बनी रहेगी। रोजाना कबूतरों को 7 प्रकार का अनाज बेटा खिलाना शुरू कर दो। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। जीवन में कभी अपने पैसे से किसी को शराब नहीं पिलाना। योग्य विद्वान से राहु केतु शनि की शांति करनी है। और रात के समय थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए। आपको आशीर्वाद, आपको भविष्य में ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो बेटा हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। धर्म के काम में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसने की शर्म उसके मुंह पे आगे आप सोच लीजिए। कहते भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, अगर भावना में ही भाव हो तो हमसे बेड़ा कम उठता नहीं। जो मौजों में मस्ती के सहारे डूब गए, रोना उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए। Yeah!
बोलिए हे कीकर वाले देवता, मेरे जीवन से सर्व दुखों का अंत करें, मेरे सुख संसार में, मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि, सुख समृद्धि देवताओं का वास करें। हे कीकर, तुम्हें कीकरी की सौगंध। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बार बैठ जाएं। सभी बैठ जाइए।
अब यहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से दूर भगाना है। ये शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जब एक साथ कम से कम 100 व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान करें तो उसे वहां उपस्थित होना पड़ता है। इसी प्रकार एक साथ जब 100 व्यक्ति एक ही ऊर्जा में जब आदेश करकर अपने जीवन से हम बुरी शक्तियों को पलायन करने के लिए बोलते हैं तो उन्हें हमारे जीवन से जाना ही पड़ता है। तो आप सभी ने पूरी ऊर्जा से मेरे साथ बोलना है कि है बुरी शक्तियों, है बुरी शक्तियों, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं, तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं, मेरे साथ ईगर की शक्ति, ईगर की शक्ति, मैं तुम्हें